किसान भाइयों, आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम रसूल, सी एस पुरम, प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश। चंदन के खेती के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। आज मैं चंदन खेती करने के किसान भाइयों को चंदन खेती के बारे में और उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होस्ट प्लांट के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए, ये वीडियो लास्ट तक देखिए किसान भाइयों, और रसूल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को आप सबने सब्सक्राइब कीजिए। और टॉपिक में को हम जाएंगे। देखिए किसान भाइयों, चंदन खेती में होस्ट प्लांट अंतर दूर, आज का मेरा टॉपिक है। होस्ट प्लांट के कौन सा होस्ट प्लांट हम लगाना है और वो होस्ट प्लांट के कितना दूर अंतर होना चाहिए, ये मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए, पहले ये चंदन की पौधा, ये चंदन की पौधा में उसकी पॉलीथीन बैग में ही नर्सरी वाले लाल मेहंदी, ये प्राइमरी होस्ट को लगा के हमको वो चंदन के पौधा हमको देते हैं। हमने क्या करना है, वो पौधे को गड्ढे में लगाने के बाद 1 फीट के दूर में, चंदन के पौधे के 1 फीट के दूर में तोर या अरहर, इसको हम वही दिन लगाना है किसान भाइयों। और ये प्राइमरी होस्ट 1 साल तक ये तोर हमको काम करेगा, क्योंकि चंदन हेमी पैरासाइटिक, यानी तो चंदन खुद वो खाना नहीं ले सकता, उसके जड़ ने दूसरा पौधे के जड़ पर होस्टेरियन कनेक्शन बना के दूसरा पौधे के पेड़ से वो खाना लेता लेके जीता है। इसलिए हम चंदन के साथ जरूर से होस्ट प्लांट लगाना है। होस्ट प्लांट 3 टाइप से रहते हैं, एक प्राइमरी होस्ट और दूसरा इंटरमीडिएट या मिड टर्म होस्ट प्लांट, 3 परमानेंट होस्ट प्लांट। हमने अब ये तोर लाल मेहंदी 1 साल तक चंदन को पानी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये चंदन को देता है। उसके बाद में चंदन के पौधे से 2.5 फीट के दूर में हम सस्पेनिया ग्रांडी फ्लोरा, सस्पेनिया ग्रांडी फ्लोरा कहते हैं, इसको हिंदी में अगस्त्या बोलते हैं। ये चंदन के पौधे से 2.5 फीट, किसान भाइयों याद रखो, चंदन के पौधे से 2.5 फीट, इधर से नहीं, इधर से 2.5 फीट के दूर में सस्पेनिया ग्रांडी फ्लोरा या अगस्त्या को हम, वो बीज को हम लगाना है। ये 3 साल तक हमारे चंदन के पौधे को खाना और पानी, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये सब 3 साल तक देता है। इसके बाद में परमानेंट होस्ट प्लांट लगाना है, पौधे के लगाने के वही दिन या 2 या 3 महीने के अंदर ही परमानेंट होस्ट प्लांट भी लगाना है किसान भाइयों, ये आप सबने ज़रूर से याद रखिए। चंदन के पौधे से 6 फीट के दूर में, देखिए इधर, 6 फीट के दूर में हम क्याजू रैना जरूर से लगाना है। चंदन के पौधे को एक तरफ 6 फीट के दूर क्याजू रैना, और चंदन के दूसरे साइड 6 फीट के दूर कड़वी नीम लगाना है, क्योंकि कड़वी नीम अब लेटेस्ट होस्ट प्लांट जैसा ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने उनके रिसर्च में वो मालूम पड़ा है। नीम, कड़वी नीम में अजाडिरेक्टिन तेल रहता है, ये तेल ने हमारे चंदन के हार्टवुड में तेल का परसेंटेज बढ़ाता है।
इसलिए हार्डवुड अच्छा क्वालिटी से आता है, इसलिए हमको दाम भी अच्छा मिलता है। इसलिए चंदन के साथ साथ हम प्राइमरी होस्ट लाल मेहंदी तोर और इंटरमीडिएट होस्ट सस्बेनिया ग्रैंडिफ्लोरा या अगस्त्या को लगाना है और परमानेंट होस्ट 6 फीट के दूर में क्याजुरैना कड़वी नीम ये दो भी हम लगाना है। किसान भाइयों ये इसका ऐसा तरफ आप सबने ऐसा तरह आप सबने चंदन के खेती और होस्ट प्लांट्स उसके अंतर का दूर यही लगाना है। आप सबको फाइनल से रिक्वेस्ट है किसान भाइयों मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो। आप सबने अब तक मेरा वीडियो देखा है इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।